हम लोग इतना समुद्र तल से इतना ऊपर में है, 1000 फीट ऊपर में चुंदी में। हाँ समुद्र तल से, हाँ समुद्र भी दिखा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत जगह में है। समुद्र भी है उधर, समुद्र भी है, थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी पहाड़ में डाल दिए तो कमी रह लो। नैनीताल झील भी है, नैनीताल झील है। हाँ तो तर कमी रह लो, केवल देखिए यहाँ का व्यू होता ठीक होता तो काम कौन करता। हमें कोनो काम करने के भगत एकदम स्मार्ट हो, एकदम घूमते रहूँ ला। हाँ एक टावर खत्म हो गया, चलो महुआ लाने। ये देखिए यहाँ के और व्यू को हम दिखाते हैं, आगे आपको ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जगह है, इस सुंदर जगह में यहाँ की खूबसूरती को और ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत ही केंदू के पेड़ मिलते हैं, ये केंदू के पेड़ में हम लोग ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा नैनीताल जैसा एक झील है, तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी के क्षेत्र में एक यहाँ का सारा पानी वो क्षेत्र में जाता है और यहाँ पे सिंचाई का एक उत्तम सुविधा इस क्षेत्र में किया गया है। तो ये देखिए यहाँ का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। यहाँ के सारे व्यू को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में आए हुए हैं और इस क्षेत्र में आके देखते हैं कि यहाँ का सारा व्यू किस प्रकार से है। अब हम लोग जाएंगे अपने अपने रूम में और वहाँ से सारा पेपर वर्क को करेंगे और पेपर वर्क को करके हम लोग फिर रेडी हो जाएंगे और सुबह जाने के लिए फिर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए सारे फोर्स भी हमारे साथ अवेलेबल हैं और यहाँ का सारा व्यू कितना सुंदर और कितना खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा पपीता का पेड़ है, देखिए ये छोटा मोटा है लेकिन फलने में सबसे आगे है। ये देखिए ये यहाँ पे एक छोटा सा पपीता का पेड़ है, छोटा सा है लेकिन ये फलने में सबसे तेज है, तो हम इसको तोड़ेंगे नहीं क्योंकि यह दूसरे एरिया का है, दूसरे एरिया में आके ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत ही अच्छा और यह खूबसूरत पहाड़ों के बीच आज ऐसा क्षेत्र बिरले ही आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यह अर्जुन मुंडा का क्षेत्र है, ये देखिए वो देखिए वो, बहुत ही अच्छा लगा इस क्षेत्र में आके। देखिए हम लोग किस गाड़ी से आए हैं आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर बस आता तो वो बस चढ़ता ही नहीं, लेकिन यह गाड़ी आया और इस गाड़ी से हम लोग आए हैं। देखिए यही वो गाड़ी है, एम्बुलेंस जैसा दिख रहा है, किसी को पता भी नहीं चलता कि यह गाड़ी है कि एम्बुलेंस है, तो इसीलिए हम लोग आज आए हुए हैं। और ये देखिए यही हमारा गाड़ी है, मैं आपको आगे से यह गाड़ी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग का यह गाड़ी। देखिए यहाँ पे यह गाड़ी बहुत ही एसी उसी लगा हुआ है और सरकार ने बहुत ही अच्छा सुविधा हम लोग को कर रखा है। ये देखिए यही गाड़ी से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इस गाड़ी में का पिकअप बहुत ही अच्छा है, 1 घंटा में हम लोग को रांची से यहाँ पहुँचा दिया। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ का सारा लोकेशन दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ पे पुलिस किस प्रकार से रहते हैं। देखिए यहाँ पे बैटरी का अच्छा सुविधा है। देखिए फिर मैं आपको सारा यहाँ का नीचे व्यू दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे पुलिस रहते हैं और अच्छा करते हैं।
खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यह एक छोटा सा कैंप है और इस कैंप में आज हम लोग को ठहराया जाएगा और इस कैंप में ठहरेंगे और सुबह मॉर्निंग में 3 बजे हम लोग को कहा गया है कि हम लोग को 3 बजे का यहाँ से हम लोग जाएंगे और जाके हम लोग सुबह निकलेंगे और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यह थोड़ा सा वैसे ही क्षेत्र है जहाँ पे बहुत कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो इस क्षेत्र में हम लोग जाएंगे। यह देखिए एकदम वीरान क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हमारा ड्यूटी, यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, एयरटेल का टावर है, जियो, वैसे कुछ सिम पकड़ते भी नहीं हैं। तो बहुत ही अच्छा जगह यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए यही यहाँ से सिंगल रास्ता है, इस रास्ते से बहुत ही सुंदर घाटी है, इस घाटी से हम लोग को चढ़ना पड़ा और इससे होकर हम लोग आए और इससे हम लोग अभी पूरे ऊपर में आए हैं। करीब जैसे दार्जिलिंग आते हैं उस दार्जिलिंग में हम लोग इस तरीके से काफ़ी ऊपर हम लोग को जाना पड़ेगा। अब हम लोग काफ़ी अंधेरा हो रहा है, अंधेरा होने के पहले ही हम लोग को रूम में एंट्री करना होगा। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही अंधेरा होती है तो आपको रूम में एंट्री करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए हम लोग को वहाँ चढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। ये देखिए ये आंवला के पेड़, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, इसको भी यहाँ लगाया गया है। अभी हमारे एक सर हैं, वीडियो बना रहे हैं। सर कहाँ से हैं सर आप? हटिया से हैं। ये अभी हमारे साथ चुनाव ड्यूटी में आए हुए हैं, ये अभी अपने घर में फ़ोन लगा रहे हैं। फिर मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। बहुत ही घाटी है, इस घाटी में हम लोग को देखिए ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है और इस पहाड़ी के बीच में यह सुंदर एक CRPF कैंप है और इस CRPF कैंप में हम लोग को आज ठहराया गया है। अरे तो जियो वाला में यहाँ का टावर देखिए, यहाँ पे सारा सुविधा है, छोटे छोटे कैंप बना के यहाँ पुलिस लोग रहते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत कैंप। ये देखिए अभी हम एकदम ऊपर आ गए हैं और ऊपर ये देखिए यहाँ से पूरा ये का व्यू देखिए। उधर वही मैदान साइड हम लोग गए थे और उस मैदान से ये देखिए इसके ये जो ऊपर पहाड़, ये पहाड़ी जितना ऊपर है उतना ऊपर हम लोग गए हुए हैं और अब धीरे धीरे अंधेरा होने वाली है। तो इस प्रकार से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। काफ़ी थक चुके हैं, अब हम लोग को जाना चाहिए अंदर और आराम करना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा,
बजे एनी हाउ उड़ जाना है और तैयार होना है और अपने बूथ के लिए जाना होगा। करीब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो फिर हम लोग चलिए वह उसके लिए तैयारी करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सारा व्यू। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटे छोटे आम के पौधे हैं, पेड़ हैं जो बड़े हो चुके हैं, जो काफ़ी खूबसूरत हैं। देखिए यहाँ पे बालू लगा हुआ है, यह बहुत ही अच्छा जगह है। इस जगह पे इसकी खूबसूरती, प्राकृतिक दृश्य, और ये देखिए ये गुलांची फूल है जो पूजा वूजा के लिए काम में आता है, और बहुत ही सुंदर देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है। जो ये दुर्गा पूजा के समय हम लोग पूजा करते हैं तो ये मिलता ही नहीं है, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से खिला हुआ है। और ये देखिए चारों ओर का यह व्यू, कितना सुंदर व्यू है। आम है लेकिन आम के यहाँ पौधे हैं लेकिन आम के फूल नहीं हैं। देखिए एक छोटा सा है, तो इस तरीके से चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, जोहार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।